हाय दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंसर्ट का फंक्शन पूरा बता चुका हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपको पेज लेआउट बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेज लेआउट से। पेज लेआउट में सबसे पहले फंक्शन है थीम्स, कलर, फॉन्ट और इफेक्ट। इसको यूज़ करने के लिए पहले अपने डेटा में आपको कलर देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, होम पे जाएंगे, होम के अंदर से कलर ले लेंगे। आप फॉर्मेट टेबल से कलर ले सकते हैं, क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, आपका डेटा कलरफुल हो जाएगा और साथ में आ जाएगा फिल्टर। आगे आता है दोस्तों कि हमने पेज लेआउट पे गए और यहाँ थीम्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसा थीम्स आप लेंगे, आपका थीम्स के अकॉर्डिंग आपका कलर और डेटा का स्टाइल चेंज हो जाएगा। तो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से अलग अलग थीम्स का। अब आता है पर्टिकुलर कलर लेने के लिए। आप पर्टिकुलर कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अपने डेटा में जो कलर आपने दे रखा है, आप उनमें से कोई भी कलर ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल। आप लिखने की बहुत सारी स्टाइल होती है इसमें फॉन्ट स्टाइल, जो इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट आता है शेडो इफेक्ट। इसमें बहुत हल्का ग्लो इफेक्ट होता है, जो कि शेडिंग के रूप में या शेडो के रूप में काम करता है। इतना नॉमिनल इफेक्ट होता है कि आपको कई बार लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है। दोस्तों, ये जो चारों फंक्शन है जब भी वर्क करते हैं, जब आप अपने डेटा के अंदर होम से जाके पहले फॉर्मेट एज ए टेबल से कलर लेना पड़ता है, आफ्टर दैट ही आपका पेज लेआउट पे ये फंक्शन वर्क करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है मार्जिन। आप यहाँ से पेज का जो मार्जिन है वो ले सकते हैं। भी आपको वाइड पेज चाहिए या आपको नॉर्मल पेज चाहिए या आपको नैरो पेज चाहिए। दोस्तों, ये एक लाइनिंग आता है जो इंसर्ट होके आपको बताता है आपकी पेज की लंबाई और चौड़ाई कहाँ तक है। ये वाली लाइन जो इंसर्ट हो रही है, ये लाइन, तो ये लाइन ही आपको बताता है कि आपको कहाँ तक है। ये लाइन आपको बताता है कि आपके पेज की चौड़ाई, और नीचे एक लाइनिंग आता है जो आपके पेज की लंबाई को शो करता है। ये आपके पेज की लंबाई को शो कर रहा है। दोस्तों, ये पेज मार्जिन जो होता है आपसे कम ज़्यादा दे, आपको मान लो कि प्रिंट में आपने वाइड ले रखा है और आपका डेटा देखो अब यहीं तक आ रहा है एच तक, तो ये हमारा जो आई वाला रो में ग्रेड लिखा हुआ है कट रहा है, प्रिंट में आते टाइम कट जाएगा। इसलिए हमको मार्जिन यहाँ से नॉर्मल या फिर नैरो करना पड़ेगा, जिससे पेज का पूरा मैटर प्रिंट आउट में आए। नेक्स्ट ऑप्शन है ओरिएंटेशन में लैंडस्केप और प्रोटेट। पेज को लंबा करना है तो लैंडस्केप करना होता है, चौड़ा पेज आ जाएगा, और प्रोटेट करना है तो लंबा पेज आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है साइज का। हम लोग जो वर्क करते हैं वो लेटर पे या फिर A4 शीट पे वर्क करते हैं। इसके अलावा आपकी देखो बड़ा पेज चाहिए तो आप यहाँ से A3 ले सकते हैं, जो कि बड़ा पेज होता है। लीगल भी बड़ा पेज होता है, A2, A1 और A0 ये सारे ही बड़े पेज होते हैं। और छोटे पेज में आपका आता है A5, B4, B5, ये छोटे पेज होते हैं। यदि आपको लीगल चाहिए या फिर A3 चाहिए तो क्लिक करेंगे, पेज का जो साइज है आपका काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो है आपकी जो लाइनिंग है काफ़ी नीचे तक आ जाती है। तो दोस्तों, ये आपको पेज को बड़ा करने का आपका यूज़ कर सकते हैं आप पेज लेआउट से साइज का। तो हम लोग जो वर्किंग करते हैं, हमारी जो शीट मार्केट में अवेलेबल होती है अधिकतर प्रिंट आउट के लिए, जिसमें हम रिज्यूम वगैरह प्रिंट करते हैं, उसे हम A4 शीट या लेटर कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया के मीन्स मान लीजिए कि आपको प्रिंट आपको यहाँ से लेके यहीं तक देना है, तो इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक करेंगे सेट प्रिंट एरिया पे। इससे क्या होगा, इतने फंक्शन के चारों साइड एक बॉर्डर शो करेगा। यदि इन फ्यूचर आप प्रिंट देते हैं तो आपका जो प्रिंट निकलेगा ये जितना आपने सेलेक्ट किया था उतने का ही प्रिंट आउट निकलेगा। हटाना है, अगेन सेलेक्ट करना है, और यहाँ ऑप्शन होता है क्लियर प्रिंट एरिया, मतलब आपका जो प्रिंट एरिया है हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ब्रेक। ब्रेक मीन्स क्या होता है, एमएस वर्ड में जब आप ब्रेक का यूज करेंगे तो पेज के दो पार्ट हो जाते हैं, मगर यहाँ पे पेज के दो पार्ट नहीं होगा, ओनली एक लाइन इंसर्ट हो जाएगी जो कि शो करेगा कि यहाँ से दो पेज के दो पार्ट हो गए। मान लीजिए अमित के नीचे मैंने क्लिक किया और मैंने इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे एक लाइन शो कर रहा है जो कि ये शो कर रहा है कि पेज के दो पार्ट हो गए। यदि आप यहाँ पे प्रीव्यू में देखना चाहोगे तो प्रीव्यू में शो करेगा आपका, प्रीव्यू के अंदर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे दो पार्ट में अलग अलग, यहाँ पे ये आपका एक यहाँ अमित तक, राज तक ही एक पेज पा रहा है, और जो दूसरा मैटर है वो आपका नेक्स्ट पेज पा रहा है, अमित के बाद आपका नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। तो इस तरह ये दो पार्ट में आपका जो है